Guys, in the last video, I shared the difference between Rabi and Kharif crops. In this video, I am going to share the differences between manures and fertilizers. So, let's get started. So, दोस्तों, अगर आप समझना चाहते हो, तो please जरा ध्यान से सुनना. मैं आपको जैसे समझा रही हूँ, manures and fertilizers के बीच का difference. Manure आपके natural substances होते हैं, जबकि fertilizers आपके human made substances होते हैं. Guys, जो manure आपके हैं, आपके environment में ही बनी हुई जो आपके substances होते हैं, उनसे बनते हैं. इसलिए natural होते हैं. पर जो आपके fertilizers होते हैं, इनको factories में chemicals से बनाया जाता है. इसलिए ये human made होते हैं. Second, provide nutrients in small amounts while fertilizers provide nutrients in large amounts. आपका जो manure होता है, अगर आप उसको किसी भी crop में अपनी किसी भी पौधे में use करते हो, तो वो धीरे धीरे small amounts में, बहुत ही कम amounts में nutrients plant को provide करता है, जबकि आपके fertilizers एकदम से जल्दी से बहुत ज़्यादा amount में nutrients soil में provide करते हैं, जिसके कारण आपका पौधा अच्छे से उगता है. यही कारण है guys कि farmers आपके manure से ज़्यादा fertilizers को prefer करते हैं. Manure. Next difference is that they are not nutrient specific. Guys, nutrient specific का मतलब ये है कि आपके जो manure हैं वो किसी एक nutrient को बढ़ावा नहीं देते. उनके अंदर सभी nutrient कुछ कुछ amount में present होते हैं. वो आप जब इनको soil में डालते हो, जो general deficiency clear कर देते हैं, वो जो आपके general कमी रहती है soil में, उसको clear कर देते हैं. But आपके fertilizers nutrient specific होते हैं. जैसे कि NPK fertilizer है आपका, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र है. आप जिस टाइप का न्यूट्रिएंट आपकी सॉइल में जिसकी कमी है, आप उस टाइप के न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र ले सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट द मैन्योर्स आर मेड इन होम्स एंड फार्म्स. आप इनको घर पर खुद अब ट्राई कर सकते हो, कंपोस्टिंग के थ्रू आप मैन्योर्स बना सकते हो. वेल द फर्टिलाइजर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज. मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था कि ह्यूमन मेड होते हैं, इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मैन्योर्स आर अब्जॉर्ब स्लोली बाय द सॉइल, हेंस दे टेक टाइम. गाइस, आपके जो मैन्योर्स होते हैं, सॉइल उनको बहुत धीरे 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 ऑब्जॉर्व करती है. इसीलिए मैन्योर्स को डालने के बाद आपको कुछ दिन वेट करना पड़ता है, ताकि आपके मतलब सॉइल को फर्टिलिटी मिले और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करे. वाइल आपके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो टाइम नहीं लगाते, वो जल्दी से सॉइल में ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं. सेवन्थ पॉइंट मैन्योर का, दे एड ह्यूमस टू द सॉइल. ह्यूमस आप जानते हैं, ह्यूमस होता है ऑर्गेनिक मैटर, जो नमी सी होते हैं, ह्यूमस आप कहते हैं कई बार, उसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है. ह्यूमस गाइस सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आपका जो मैन्योर होता है, वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है, बट आपका जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो ह्यूमस उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए वो ह्यूमस ऐड नहीं करते. या आपका मैन्योर बनता ही ऐसा है, जिसके कारण उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी होता है, इसीलिए सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफर हो जाता है. एट्थ पॉइंट इज दैट द मैन्योर्स आर चीप, क्योंकि आप उनको घर पे बना सकते हो, आप कूड़े कचरे से बना सकते हो, आपका जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो सकता है, उनसे बना सकते हो. मैन्योर अगर आप एक पैकेट भी लेते हो, तो 10 रुपीज़ का गाइस आ जाता है. पर आपके फर्टिलाइजर्स, आपको अगर आपने कभी पढ़ा हो, तो फार्मर्स कई मतलब बहुत लोन लेते हैं, ताकि वो फर्टिलाइजर्स HYV सीड्स ले सकें, क्योंकि फर्टिलाइजर्स एक्सपेंसिव होते हैं. मैन्योर्स आर नॉट ईजी टू ट्रांसपोर्ट. गाइज, इनको आपको छोटे छोटे पैकेट में ट्रांसफ़र करना बहुत ही हार्ड हो जाता है, बिकॉज दे आर वेरी बल्कि, वो काफ़ी भारी वेट में होते हैं, इसीलिए वो हार्ड हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में. बट फर्टिलाइजर्स आर ईजी टू ट्रांसपोर्ट. आप इनको कट्टों में भर के, या फिर जो आपके बैग्स होते हैं उनमें भर के ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. योर मैन्योर्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली वाइल फर्टिलाइजर्स आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. आप मैन्योर किसी भी सॉइल में डालते तो एसिडिटी, बेसिसिटी नहीं हो जाती है सॉइल में, पर फर्टिलाइजर्स के कारण आपकी सॉइल एसिडिक हो सकती है, बेसिक हो सकती है, अल्कलीन हो सकती है, तो इसीलिए. सो गाइज, दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.